नमस्कार, द रूस्टर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आजादी आप सभी को मुबारक हो। 72वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर द रूस्टर न्यूज की तमाम टीम आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत मुबारकबाद देती है। आज का विषय आपके बच्चों से जुड़ा हुआ है, एक ऐसा चैलेंज जिसको कहते हैं मोमो चैलेंज। इसने कई सारे बच्चों की जानें ली हैं। इससे पहले ब्लू व्हेल गेम के नाम पर एक गेम आया जिसने भी काफ़ी सारे लोगों की जान ली। आखिर ये मोमो चैलेंज है क्या? मोमो चैलेंज जो सोशल मीडिया या फिर व्हाट्सएप के ज़रिए आप तक पहुंचता है, आपके बच्चों के मन को प्रभावित करता है और उनको मजबूर करता है कि वो अपनी जान दे दें। हम अपने ज़माने पे गिल्ली डंडा, पतंग, कंचे, लट्टू, पेलो दुग्गो, छुपन छुपाई तमाम ऐसे खेल खेला करते थे जिसमें हमें आरोग्य मिलता था, हम ज़्यादा खुशहाल रहते थे, हंसते थे, खेलते थे। लेकिन अब बच्चे खुद के साथ खेलते हैं, अकेले खेलते हैं, कोने में बैठ के खेलते हैं, अपने फ़ोन से खेलते हैं, जिसमें उनका पूरा का पूरा जो ध्यान है वो एक जगह पे केंद्रित हो जाता है और वो खुद को उस खेल के अंदर इतना डुबा लेते हैं कि वो अपनी जान तक ले लेते हैं। आखिर मोमो चैलेंज है क्या? मोमो चैलेंज कुछ एक शरारती तत्वों की उपज है, कुछ एक लोगों की दिमाग की उपज है जिसने इतना ज्यादा प्रभाव आपके बच्चों के दिमाग में डाल दिया है। मोमो चैलेंज आखिर है क्या? मोमो चैलेंज कुछ एक शरारती तत्वों के दिमाग की उपज है जिसको प्रैंक्स की तरह शुरू किया गया था और वो इतना हानिकारक बन चुका है। आपके स्मार्टफोन पर, आपके व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे एक मैसेज आता है ये कहकर कि हाय आई एम मोमो, मैं मोमो हूँ। जब आप उसको जवाब देते हैं तो आपको ये कहता है आप मेरे नंबर को मोमो के नाम से अपने फ़ोन पर सेव कर लें। जब आप सेव करते हैं उसके बाद वो आपसे कुछ एक बातें करता है मीठी और आप उसको भी जवाब देने लगते हैं। कुछ पल बाद वो आपको कुछ एक चैलेंजेस देने करने को बोलता है, कुछ एक ऐसी चीज़ें जो आप आसानी से कर सकें। एक के बाद एक वो चैलेंजेस कठिन होते चले जाते हैं। एक समय आता है जब वो आपको ऐसा कुछ करने बोलता है जो आप नहीं कर सकते। जब आप उसको मना करते हैं तो वो आपको धमकाने लगते हैं, आपको गंदी गंदी तस्वीरें, गंदे गंदे वीडियोस भेजते हैं, डराने वाले वीडियोस भेजते हैं जिसमें आपको उकसाया जाता है कि अपने आप को नुकसान पहुंचाएं, अपने आप को चोट पहुंचाएं, और यहां तक हो जाता है कि लोग अपनी जान तक गवा देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ अर्जेंटीना में रहने वाली एक 12 साल की बच्ची जिसको, जिसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसके व्हाट्सएप पे या फिर सोशल मीडिया पे उससे संपर्क किया गया, उससे बातें करी गईं और उसको डराया धमकाया गया। एक पल ऐसा आया कि उस बच्चे ने अपनी जान दे दी, यानी सुसाइड कर लिया। ब्लू व्हेल गेम भी कुछ शरारती लोगों का ही एक उपज थी और ये भी कुछ शरारती लोगों की ही उपज है। मोमो गेम में अगर आप देखें तो एक तस्वीर बहुत फेमस हो रही है सोशल मीडिया पर, एक ऐसी तस्वीर जो बहुत भयानक है, डरावनी है, जो मोमो के नाम पे दिखती है। आखिर ये तस्वीर की सच्चाई क्या है? जापान टोक्यो में एक गैलरी है जिसका नाम है हॉरर आर्ट गैलरी। यहाँ पर एक कंपटीशन कराया गया था कुछ सालों पहले कि आपको डराने वाले, यानी थोड़े मन को विचलित करने वाले कुछ एक स्टैचूज बनाने हैं। वहाँ पर एक आर्टिस्ट थी जिनका नाम है मिडोरी हायाशी, जिन्होंने इस स्कल्पचर की रचना करी थी। और जब लोगों ने इसको देखा तो एक मुर्गा या फिर एक पक्षी जिसका जो चेहरा है वो इंसानी चेहरे के जैसा दिखता था और बहुत भयानक सा ये क्रीचर लगता था। यानी कुछ लोगों ने जब वो एग्जीबिशन गए, जब उन लोगों ने देखा तो सेल्फीज इसके साथ खींची और उसके बाद शुरू हो गई मन घड़त कहानियाँ। यानी जो माँ बाप थे वो अपने बच्चों को डराने के लिए इस तस्वीर का इस्तेमाल करने लगे जापान में, और उन लोगों ने अपने हिसाब से उस बच्चे को डराने के लिए, अपने बच्चों को डराने के लिए कहानियाँ बनानी शुरू कर दी। यही थी शुरुआत इस तस्वीर की, जहाँ पर यह तस्वीर बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई कहानियों को लेके, झूठी कहानियों को लेके। 25 अगस्त सन 2016 नानाकू नामक एक लड़की ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस तस्वीर को DP के तौर पर लगाया, जिसको उसके कुछ साथियों ने, दोस्तों ने सेव किया और उन लोगों ने भी इसको DP की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद रेड डीट करके एक सोशल मीडिया है जहां पर इसको क्रीपी करके कैटेगरी के अंदर डाल दिया गया, यानी जो भी लोग डरावनी तस्वीरों की खोज करते थे उसमें ये तस्वीर आने लगी।
यहीं से शुरुआत हुई मोमो की, यानी जो लोग इस तरह के प्रैंक्स कर रहे थे उन लोगों ने इस तस्वीर को सेव किया और इस तस्वीर को मोमो का नाम दे दिया और उस तस्वीर को रख कर ये लोग डराने लगे। आखिर ये शरारती तत्व आपके फ़ोन तक कैसे पहुंचते हैं और इस तरह से आपको कैसे मैसेज पहुंचाते हैं अपने नंबर को बिना उजागर करे? सबसे पहले आपको टेक्स्ट मी नामक एक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, टेम्प मेल नामक एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जहां पर आपको फेक आईडी भी आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा पैरेलल स्पेस नामक एक ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा जो आपके किसी भी ऐप का एक क्लोन बना। तो जब आपके पास ये तीनों एप्लीकेशंस डाउनलोड हो जाती हैं तो टेक्स्ट नाउ खोल लें, साथ साथ में टेम्प ईमेल खोल लें जहां पर आप अपने नकली ईमेल आईडीज बनाते हैं। अगर आप देखें चेंज का एक ऑप्शन है, कॉपी का एक ऑप्शन है, चेंज पे जब आप क्लिक करते हैं आपको फलाना बहुत सारे नकली ईमेल एड्रेसेस मिलते हैं। क्रिएट अकाउंट पे जाएं, अपना नकली ईमेल एड्रेस वहां पे डालें, अपना पसंदीदा पासवर्ड चुन लें यहां से, तो आपका जो न्यू नंबर है वो आ गया है। तो अब जो है आपके पास एक फेक नंबर है, फेक ईमेल एड्रेस है और एक व्हाट्सएप का क्लोन भी है। आप जो क्लोन्ड व्हाट्सएप है उसको खोलें, अपना जो क्रिएट किया गया नंबर उसमें डालें। उसके बाद आपको ओटीपी के लिए दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक टेक्स्टिंग ऑप्शन होता है, एक फ़ोन वाला ऑप्शन है जो व्हाट्सएप के जो लोग हैं वो आपको कॉल करके आपका ओटीपी नंबर देते हैं। तो कॉलिंग के ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं, आपको कॉल आएगी, ओटीपी नंबर आपका मिल जाएगा और आपका एक नया व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएट हो जाता है। इसके बाद आप किसी भी अपने दोस्त को मैसेज करें और ये कहें कि मैं मोमो हूँ। और उससे पहले अगर आप अपने ही इसी नंबर को ट्रू कॉलर में जाके सेव कर देते हैं मोमो के नाम पर, तो जो भी कोई ट्रू कॉलर में जाके आपके इस नंबर को चेक करेगा तो उसमें आएगा मोमो, यानी इसकी पुष्टि हो जाती है कि आप मोमो ही हैं। तो आप जो है एक मोमो चैलेंज शुरू कर रहे हैं उनके साथ। तो ये है पूरा ताना बाना, जिस तरह से जो अच्छे सोच के लोग हैं जिन लोगों ने इन ऐप्स को बनाया किसी अच्छी चीज़ को अपने दिमाग में रख कर, लेकिन कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो इन तमाम ऐप्स का मिसयूज़ करते हैं और आपके साथ ऐसा घिनौना खेल खेलते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि मोमो चैलेंज आखिर किस तरह से आपके बच्चों के दिमाग को जकड़ रहा है। ना मोमो चैलेंज ही नहीं, ऐसी तमाम और चीज़ें हैं जो आपके बच्चों के दिमाग से खेल रही हैं। यानी जो भी आप कार्टून्स उनको दिखाते हैं, आपको ये लगता है कि कार्टून बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए, तो यकीनन तौर पर ये है कि कार्टून आपके बच्चों के लिए अच्छे नहीं होते हैं। कार्टून्स पर जिस तरह के मारपिटाई दिखाई जाती है, जिस तरह की बदजुबानी दिखाई जाती है, यकीनन बच्चा आपका वहीं से काफ़ी सारा कंटेंट अपने आप को उससे जोड़ के देखता है और वहाँ से सीखता भी है। 0 से लेकर 5 साल की उम्र तक ये कहा जाता है एक शोध में कि आपको अपने बच्चे को किसी भी तरह का गैजेट का एक्सपोजर नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन भारत या फिर कहीं पर भी अगर आप देखें, माता पिता अपने बच्चों को रुझाने के लिए अपने स्मार्टफोन को हाथ में पकड़ा देते हैं। बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो स्मार्टफोन पर कोई कार्टून चला दिया और बच्चा खाना खाने लगा। बच्चा शैतानी कर रहा है तो बच्चे को कोने में बिठाने के लिए स्मार्टफोन पकड़ा दिया और बच्चे ने शैतानी बंद कर दी। अगर आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं, आपने टीवी चला दिया या फिर फ़ोन पकड़ा दिया और आपका बच्चा व्यस्त हो गया है। आपको लगता है कि आपको ये सुविधा मिल रही है, लेकिन हकीकत ये है कि सुविधा नहीं मिल रही है। कार्टून अगर आप देखें तो कार्टून कैरेक्टर्स के ऊपर गाड़ियाँ कुचल देती हैं कार्टून कैरेक्टर को, लेकिन उसको खून नहीं आता है, वो वापस खड़ा हो जाता है, जिंदा हो जाता है। कार्टून कभी नहीं मरता है, कार्टून को कभी चोट नहीं लगती है। यही बच्चा सोचता है कि मैं अगर ऊपर से छलांग मार दूं, गाड़ी के नीचे आ जाऊं, तो मुझे कुछ नहीं होगा। बच्चा अपने आप को कार्टून की दुनिया में इतना घुसा लेता है कि खुद को भी सुपरमैन या फिर सुपर हीरो समझने लगता है। जो कंटेंट आपके स्मार्टफोन पे है या फिर सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, जो आप अपने बच्चे को दिखा रहे हैं, उसमें यकीनी तौर पर बच्चे के अच्छाई के लिए कुछ भी नहीं है। बच्चा जो छोटा बच्चा है उसको बाहर जाना चाहिए, उसको खेलना चाहिए, उसको भागना चाहिए, उसको वो तमाम चीज़ें करनी चाहिए जिसमें उसके हाथ पैर दिमाग मस्तिष्क आँखें सबका काम हो। लेकिन स्मार्टफोन या फिर टेलीविज़न पर बच्चा टकटकी लगाए देखता रहता है, ना उसका हाथ हिलता है ना उसका पैर हिलता है, वो आराम से मज़े लेते रहता है, लेकिन उसके बाद उसके दिमाग में, उसकी आँखों में, उसमें उसकी सेहत में जो असर आप
पढ़ा रहे हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ माँ और बाप को जाती है। आप ज़रा सोच के देखिए, जो खेल आपने खेले, क्या आपके बच्चे वो खेल खेल रहे हैं? यकीनी तौर पर नहीं खेल रहे हैं। आपने अपने बच्चे का बचपन उनसे छीन लिया है, आपने अपने बच्चे के खेल को उसके जीवन से छीन लिया है। आशा करते हैं इस वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इस तरह के तमाम जो ब्लू व्हेल गेम या फिर मोमो चैलेंज की तरह, और आजकल जो किकी चैलेंज भी आया है जिसमें चलती गाड़ी पे लोग उतर जाते हैं और डांस करने लगते हैं, ऐसे दिमागी कीड़े आपके बच्चों के दिमाग पे नहीं जाएंगे। आपके बच्चे सेहतमंद रहें, खुशहाल रहें, और जो हमारे भारत की आज़ादी है इसको और कई सालों तक ऐसे ही निभाते रहें, मनाते रहें, पतंग उड़ाएँ, शौक से उड़ाएँ, कुछ सावधानी से उड़ाएँ, और लेकिन बाहर जाके खेलें। आज के लिए बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ दुरुस्त न्यूज़, जो आपको तमाम खबरें दिखाता है जो सीधे आपकी जड़ों से जुड़ा हुआ होता है। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको तमाम वीडियो मिलते रहें जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। धन्यवाद।